जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तुसी देख रहे हो अकाल चैनल गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब की। अज फिर जिहड़ी हैगी आ गिरफ्तारी देने वास्ते पंज सिंघां दा जत्था पहुंचा हैगा श्रोमणी अकाली दल अमृतसर मानदान वालों। तुसी देख सकते हो कि किस तरीके सरदार जसकरन सिंह कान सिंह वाला पंज सिंघां दे नाल जिहड़ा हैगा इत्थे पहुंचे ने और जो अरैसट जिहड़ी हैगी आ उन्होंने देनी हैगी आ संबोलिक अरैसट खेती बिलों के विरोध दे विच। उन्होंने नाल गलबात भी करते हैं जी। वाहिगुरु जी का खालसा अकाल चैनल अकाल सहाय चैनल ते समुची सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मोदी सरकार ने जान बुझ के एक पॉलिसी के तहत नागपुर तो प्लैन बना के बाबा बंदा सिंह बहादुर की जिहड़ी सिख राज की पॉलिसी सी जिहड़ी 1710 तो लेके 1716 तक सी उहनू रिजैक्ट करके थोड़े कोलों ये जमीना दे मालक सी वो मालकीपना पक्के तौर पर मोदी सरकार खोना चाहती है। इस करके ये जिहड़ा बिल लिआंदे है ये बिलों नू ना पंजाब दे किसान ने ना यूपी बिहार दे कहन तो पावे इंडिया दे किसान ने इहनू मंगिया ही नहीं सी। मैं पहला भी कहा कि डॉक्टर स्वामीनाथन दी असी मंग कीती सी, डॉक्टर स्वामीनाथन का भी कतल कर दिता तो मजदूर तो किसान का भी आर्थिक तौर पर इन्हां ने कतल कर दिता। असी धरने लाए असी मुजाहरे किए असी सड़कों पर बैठे 250 तो वध बाबा राम सिंह समेत साढ़े किसान इत्थों मोदी की जान नूं रोंदे रोंदे ये सारे चले गए ने। मोदी सरकार ने गैर कानूनी काम करके ये साढ़े ते जुल्म किया है। जदों साडी गल प्रधानमंत्री ने सुनी नहीं, साडी गल राष्ट्रपति ने नहीं सुनी, साडी गल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुनी, साडी हाई कोर्ट ने नहीं सुनी, साडियां लोअर लैवल दियां जिहड़ियां अदालतां हैं उन्होंने साडी नहीं सुनी, ना ही साडी विरोधी धिर ने सुनी है, ना विरोधी धिर दे मुख्यमंत्री केजरीवाल होवे कैप्टन अमरिंदर सिंह होवे गहलोत होवे कोई भी होवे उन्होंने गल नहीं सुनी। दूजे पासे 543 मैंबर ऑफ पार्लीमेंट सी जिहदे विचों 410 किसान है किसानी दे नाल संबंधित है वो सिर्फ अपनियां पार्टियां दा पक्ष पूरदे रहे वो किसानां दे हक विच ना धरनियां चाहे ना मुजाहरियां चाहे लगातार किसानां नूं कुट्टन मारन दे विच मोदी दे हक दे विच बहिंदे रहे। सुखबीर सिंह बादल ने बीबा हरसिमरत कौर बादल ने ठोक के मोदी का साथ दिता, पासवान ने उहदा साथ दे के अज किसानां नूं बलदी पट्टी दे विच उहनां ने पाया होया। उस संबंध दे विच 26 जनवरी नूं जदों कहिंदे मोदी कहिंदा मैं गणतंत्र दिवस ते परेड करनी है किसानां ने कहा सी असीं भी ट्रैक्टर परेड करांगे ते साडा जिहड़ा मोर्चा बराड़ी च लग्गिया सी असीं आखा असीं तां भाई खालसा परेड करांगे, किसान खालसा भी परेड कीती। उदों बाद जदों सिंघां ने दिल्ली चों आ गए 2 लख कट्ठ कट्ठा हो गया, पहलां कहिंदे आउटर ते जावांगे, फिर कहिंदे जी अंदर जावांगे, फिर कहिंदे लाल किले ते जावांगे। जदों नौजवानां ने ट्रैक्टर भजाए रेसां दित्तियां फकारे मारे इन्हां सारिआं दा दिल पड़ैं पड़ैं करन लग पिया। ये फिर अगे पिछे करते रहे, फिर कदे पुलिस नाल गल्लां करदे, हुण इस तरीके पुलिस नाल कदे गल्लां करी दियां जी। जदों तुसीं किसानां नूं साध ही लिया तो जे भाई 26 जनवरी नूं 1 लख किसान ट्रैक्टर लेके आया सी ना जांदा तो तुहाडी किसानां दी की हालत सी, तुसीं अज नूं केस हरिया होना सीगा। फिर जदों शांतमई गए सब तो पहलां तां यार असीं गए हाँ, सारे गए हाँ शांतमई गए हाँ, उत्थे तिरंगे नूं कोई नुकसान नहीं पहुँचा। ये जिहड़ा खालसे दा झंडा सी 1608 चढ़िया, 1608 दे विच खालसे दा झंडा सी, तिरंगा हैगा सी जी 1708 च हैगा सी, 1808 च हैगा सी, 1900 च है ही नहीं सीगा। ये तिरंगे नूं बचाउण वाला तां खालसे दा झंडा है। अज आ देखो इस खालसे दे झंडे ते चैलेंज कर रहे हैं। हुणे असीं आ रहे सी सानूं रोक लिया कहिंदा झंडा ला दिओ, मैं कहा क्यों ला दो, तुहाडे प्यो दा झंडा प्यो तां गुरू दा साडा झंडा है, कहिंदे जी लाओ, कहिंदा किसानी दा लो, असीं नहीं लऊगा सानूं गिरफ्तार, असीं तां गिरफ्तारी देनी उत्थे ले लो, दुनिया च बदनामी तुहाडी होनी है, असीं शांतमई आए हैं, शांतमई आपदा डिसिप्लिन दे विच रह के जमहूरी ढंग दे नाल जदों साडी कोई गल ही ना सुने असी धरना भी ला सकते मुजाहरा भी कर सकते गिरफ्तारी, असी संविधान की धारा 14-19-21 के मुताबिक साडा राइट हैगा उहदे मुताबिक। मोदी ने साडियां खड्डां पट के किल ला के बैरीगेट ला के गैर कानूनी होने दिता तो हुण कानून की कहिंदा मोदी का परचा होना चाहिए, इन्ने किसान मोदी करके मरे आ 306 का परचा क्यों नहीं हुंदा। तो बीबी हरसिमरत तो सुखबीर सिंह बादल एम पी सी भगवंत मान भी एम पी सी इन्हां ते 120 का परचा क्यों नहीं हुंदा, इन्हां ने तो हमायत की है, इन्हां सारे ने हमायत की है, हाथी के दंद खाण नूं हो रहा हुण कहिंदा जी असीं किसानां दे पक्खी आ, उदों कहिंदे किसान झूठ बोलदे आ, बादल साहब भी कहिंदे सीगे ते कैप्टन साहब भी सारे रले आ इक्को थैली दे सारे चट्टे वट्टे आ,
इन्हां तों बाजो 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 बाजो। जदों बराड़ी मोर्चा लग्या सी ना आ इत्थों दा दिल्ली गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दा जिहड़ा सरसा है ये कोल दी लंघ जा करे, कहिंदे तां मोर्चा सरकारी लगदा है, ये कहिंदा जी साडे कोले आया ही ना करे। तो फिर जदों असीं पूरा बाकी तो सारे भज गए, साडे नौ सिंघां ने, प्रगट सिंह ने, जीत सिंह ने, गुरमुख सिंह ने, तो स्वर्ण सिंह ने, फिर साढ़े गुरसेवक सिंह ने, बलविंदर सिंह ने, जोगिंदर सिंह बोआ ने, जो गर्फ तिहाड़ पहले जेल च गए तो जो जेल च आए जप्पियां पाते फिर कहते साढ़े है जी साढ़े है। हुण सरसा साहब आ जड़े सिंह है ये गिरफ्तारी देन चले आ, ये कहदे अपने घर ले चले है, ऊ तो कहना मैं सन्मानित करना है जेड़े जेलों चो आए हैं। हुण चोणां जो आ गई दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सन्मानित कर, कहिंदा जी मैं मोती लाल मोती बाग गुरुद्वारे च जाना है, उत्थे किसान इकट्ठे करने हैं, वो जेड़े तेरे किसान गिरफ्तारी देन चले है मोदी ते हिक ते बहन चले है उत्थे तां तू आया नहीं। आ जदों असीं अरदास करदे सी ना ग्रंथी ने साडी अरदास भी नहीं कीती ना, कीर्तन आले ने कहा कि भाई इन्हां योधे चले है, एक सरोपा नहीं सरिया। इतों सरोपा मोदी नूं तां पै सकदा, मोदी इत्थे आ सकदा, कोई गुरद्वारे आ सकदा। मोदी नूं कहिंदा सरोपा देता, कहिंदा किवें देता, कहिंदा 55,000 रुपये देता। जे भी ललित माकन आ गया, जगदीश टाइटल आ गया, पंथ विरोधी आ गए, फिर 55,000 सरोपा मिलता की कर, इन्होंने 55,000 नहीं दिता ता नहीं सरोपा दिता। इस करके हाथी के दंद खाने होर है, बीजेपी आर एस एस के ढाए चढ़े हुए है, ये थोनू फड़ना चाहते दिल्ली वाले। एक जो आप मच्छी नहीं फड़ते, कई कई मच्छी फड़ते है, कोई तो कुंडी नाल फड़ लैंदा, कोई गडोआ ला के फड़ लैंदा, कोई आटा ला के फड़ लैंदा, कोई फसलां ला के फड़ लैंदा, कोई धूवा जा ला के फड़ लैंदा, तो कोई किवें फड़ लैंदा। और सिखो केजरीवाल तो सारे सरसे होरी रल के वो थोनू मच्छियां समझ के फड़ के फिर आर एस एस के घरे मोदी के घरे ठोकना चाहते हैं। ये सारियां तो बाजो बाजो अज क्यों नहीं आए, अज सरोपा क्यों नहीं पाया, की गल पंथ तो की है। हाँ इन्हां दे नां सरोपा पा के दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इत्थे तो सरना साहू भी आना चाहिए सी, क्यों नहीं आया बई, जी के नूं भी आना चाहिए सी, ये किहदे लई गए सीगे, ये भाई ता नहीं आए, ये पता किनू मोदी नूं खुश करना चाहते है। एजेंसियां दे रहे कहू वेख्या वो जथा गया सी, असीं नहीं गए, उत्थे ताड़ियां मारनगे, ये ताड़ियां मार के गल करनगे। इस करके साडे जिहड़े योधे गए है ये गिरफ्तारी का छेवां जथा, सत्तवां जथा जिहड़ा साडा बाबे बकाले तो चल के 7 तरीक नूं आऊगा, वह भी 3 बजे गिरफ्तारी देगी। जथे चलते रहनगे, मोदी सरकार 3 काले कानून रद्द कर दे, साडे नौजवानों के परचे रद्द कर दे किसानों ते, इन्हां नूं रिहा कर। ये भाई जे कितें इंडिया दे विच कोई बदअमनी फैलदी है कुछ सारा कुछ करदा ते मोदी सरकार जिम्मेवार है। असीं लगातार सरदार सिमरजीत सिंह मान कौम का महान जरनैल जो संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले की सोच से थोनू गुलामी के कढ़ना चाहता है, सच के मगर तुरिया डी आई जी का उदा छड़ के नौ खचाल के अज भी लड़ाई लड़ रहा है। तो ये भाई उन्होंने जत्था भेजा, तो हुण साडा जत्था शांतमई गिरफ्तारी देगा, गिरफ्तारी दे के अगले जत्थे की असी तैयारी करांगे। संसार सिंह योधा साडा जरनैल है, इन्होंने बड़ी वड्डी मट्टू साहब भी साडे योधे, सौंटी साहब 24 दिन जेल च रह गए आ, साडे नाल तरनदीप सिंह है वह भी जे जेल च रह गया तिहाड़ च, स्वर्ण सिंह भी तिहाड़ जेल च रह गया है, कुलविंदर सिंह खालिस्तानी, प्रगट सिंह सारे तिहाड़ जेल के लै गए आ। तो पर अज भी डटे पे आ बलकार सिंह बालियां, ये भी जत्थे दे विच गया योधा, तड़के आउंदा तैयारियां करके इतों तक लैके आउंदा, बड़ियां वड्डियां गल्लां कीतियां। अमृतपाल सिंह जी खालसा मैं किदा किदा नाम लवां, सारे योधे जरनैल है, ये सानू जी राह च रोक लिया, कहिंदे झंडा ला दिओ, दसो जी ये गल है जी, कोई किड्डा अपमान है, साडी कोई बेइज्जती यार, 85% कुर्बानियां करदियां, कहिंदे झंडा ला दिओ, झंडा तो गुरु दा ला, सानू आ दिल्ली वालिआं सोचना चाहिए, आओ थोड़े झंडे लैन लग गए है, और कल नूं कहिंदे पग ला दे, परसों कहणगे भी तू कशहरा भी ला दे, फिर कहणगे कृपान भी ला दे, फिर कहणगे कड़ा भी ला दे, फिर थोनू मलंग कर देंगे। अज कहिंदा झंडा गुरु का जे लाउंदे फिरदे है, ये सोचो ये तो मोदी नूं सोचना चाहिए, मोदी जे झंडा लै गया ये मुद्दा खत्म हो जाना सारिआं दा। इस करके सोचो साडे झंडे दे उत्ते निगाह ना रख्या जे, ये झंडा झूलदा रहना रोज़ झूलदा, इंडिया का झंडा रोज़ थले बह जाता, ये रात को भी नहीं सारे झुलदा। महाराज ने कहा झुलते निशान पंथ महाराज दे, ये पंथ दे निशान झुलते रहेंगे, सानू गिरफ्तारियां दे कोई नहीं डर। ये मान साहब किन्ना चिर जेल च रह गया, नांख चाले दाढ़ी पटवाले, ये सारे बंदे घट्टो घट दो चार चार साल जेलां कट के आए पंथ दे कौम लई ते किसानी लई, ते असीं लड़दे रहांगे। हुण साडे
संसार सिंह इस तो बाद सारे सरोपे देंगे फिर गिरफ्तारी देवे। जसकरण सिंह जी ताड़ी पार्टी तुसी सारे का नाम लिया है पर ताड़ी पार्टी के ही मैंबर हरजीत सिंह राणा ने इल्जाम लाया कि मेरा जिहड़ा है मैं पार्टी का मैंबर है 3 फरवरी गिरफ़्तार होए 27 फरवरी 12 कहते 25 दिन मैं रह के आया पर पार्टी ने मेरी सार नहीं ली ना मैं सम्मानित किया ना मेरे नाल कोई गलबात की है दिल्ली तो ताड़ी पार्टी के मैंबर ने ना जी हरजीत सिंह साड़ी पार्टी का सकत्र जनरल है वो बिल्कुल 100% झूठ बोल रहा उन्होंने ये नहीं कहना चाहिए वो दे ली मैं बहुत ज़्यादा जोर लाया उस लई संसार सिंह ने भी जोर लाया कई जो मर्जी जाओ उस तो बाद मैं वकील नूं खुद पैसे भेजे है रविंदर सिंह दे राही भेजे है लहदा वकील किया पैसे मैं भेजे है रिहाई उन्होंने अपने लैवल तो वकील करके फिर उन्होंने अपनी जी है रिहाई मैं भेजे है रविंदर सिंह जो संधु है उन्होंने मैं कहते पैसे चाहिए है वकील दे मैं खुद भेजे जी हो उसके घर भी देखे चल वो जी इस तरीके नहीं वो कोई होर नाराजगी है पार्टी का वेखो पार्टी का जे यार वो जो पूरे इंडिया जो झंडा वाले सारे किसान भज गए वो खड़ गई है तो हरजीत ना क्यों नहीं खड़ूगी ये हरजीत साडा है साडा मान आ साडी गल है जो वे कोई माड़ा माड़ा गलबात छको कोई ऐसी गल नहीं है जी बिल्कुल नाम मैं ना दस ये सरदार सुखविंदर सिंह जी मूलोवाल साहब ये सरदार सुरजीत सिंह जी कालाबुला साहब नरेंद्र सिंह जी कालाबुला साहब सुरजीत सिंह दे एस जी पी सी दे मैंबर सी वो साडे विच नहीं रहे योधे उन्होंने भतीजे ने ये साडे हरदेव सिंह जी पप्पू कल्याण साडे किसान यूनियन दे सकत्र जनरल ने ते ये इस जथे दे मुखी ने सरदार अमरजीत सिंह बादशाहपुर साडी जैक्टा दे भी मैंबर है ते साडी किसान यूनियन दे मीत प्रधान ने साडे साधु सिंह जी पेदनी साहब ये साढ़े जेडे योधे जरनैल है ये इन्हों कैंसर होया कैंसर के बावजूद भी ये करते हैं ये मजदूर की भी री रिप्रजेंटेशन करते हैं वो साढ़े बलकार सिंह भुल्लर है वो लगातार जथे दिल्ली तो आए है वो सारे को सिंघू बॉर्डर तक लेके आते सारे पंच सिंह है ये बलकार सिंह वालिया जी कई बार मैं वालिया कह दिता तो फिर इन उतराज हो जाता है यदा ना है बलकार सिंह बब्बे कन्ना लल्ले नू बिहारी ऐडे नू कन्ना आ बालिया बिल्कुल कैंसर दी दस रहे हो भी जी की ना एक ना फिर हां जी हां मेरा नाम है जी साधु सिंह ते कैंसर दी प्रॉब्लम है ना जो तो 2 साल पहला आई सी मैनू तो सरदार सिमरजीत सिंह मान साहब ने उन्होंने मैं लैटर देता जी पीजीआई चंडीगढ़ वास्ते ठीक हो जी तुसी हां जी हां हुण ठीक है सर हुण ठीक है जी मैनू फर्क पै गया गा हुण ठीक है जी बिल्कुल तंदुरुस्त हाँ जी हाँ बिल्कुल गिरफ्तारी देना है जी जथे दे नाल है ते ये जथे दे नाल हुण जिद्दां गिरफ्तारी असीं दे के ही रहांगे असीं गिरफ्तारी इस संबंध में दिंदे आ भी जिहड़े तिन्ने ऑर्डिनेंस ने किसान विरोधी ने ओह तुरंत मोदी सरकार नूं उन्हां नूं बंद करके MSP की गरंटी दे के जिन्ने साडे किसान जेलों के विच ने परचे दिते ने उन्हां नूं रद्द करके बाइज्जत रिहा करे और देश नूं तरक्की वल लैके जावे खाना जंगी वल धक्कना मोदी सरकार की पॉलिसी है ये घट गिणतियां दे लई हमेशा खतरे वाली सरकार है हर एक जिहड़ा देश का चंगा नागरिक है वह इत्थे महफूज नहीं महसूस कर रहा है बिल्कुल हाँ जी हाँ जी की कहना चाहोगे जी लगातार किन्ने जत्थे होर तरह लगता कि तैयार ये साडा हर हफ्ते जी जथे तैयार ने पंजाब दे विच्चों यूपी दे विच्चों वख-वख स्टेटां दे विच्चों पार्टी प्रधान सरदार सिमरजीत सिंह मान ने 12 फरवरी ऐलान किया भी जिहड़े साडे किसानां ते झूठे परचे दर्ज किए ने नौजवानों जेलों के डकिया साडियां भैणां नूं भी ते उहनां दे जिहड़े परचे ने वो रद्द करो नहीं तो फिर सानू भी जेलों के करो ये तिने कानून जिन्ना चिर रद्द नहीं होंगे साढ़े तो झूठे परचे पाए हुए ने रद्द नहीं होंगे उन्ना चिर ये जथे लगातार गिरफ्तारियां देने आते जाते रह आते रहेंगे सरदार जसकरण सिंह जी की अगवाई के वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी सुखविंदर सिंह जी मूलोवाल अज जे देश के लोगों के हित लुटे जा रहे हैं जी वो हितों बचाने लिए तो इतने गिरफ्तारी देने आया दीने कंगड़ तो चले कल अज रकाबगंज साहब तो गिरफ्तारी देनी आ ते जिहड़े झूठे परचे पाए ने सारयां दे उपर किसानां दे उपर वह रद्द होण ते सारयां दे जिहड़े हित ने वह बचण सुरक्षित होण ते धक्का कर रही है जिहड़ी मोदी सरकार उहनूं असीं दसण आए हां कि तूं ये जिहड़ा जबर आ ये बंद करके एक लोकां लई इनसाफ दा राह चुनो तुसीं धक्के बंद करो ये किसी जगीर नहीं भारत ये सिखां ने जित के दित्ता सानूं 1783 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ
केसरी निशान साहब चला के खालसा राज स्थापित कर दिता सी, पर वो दान दे विच अगे दी अगे साडे सिखां ने देता क्योंकि बड़े दरिया दिल सी, अज भी दरिया दिल ने। अज 85% कुरबानियां देण दे बावजूद भी कदे किंतु परंतु नहीं करते, रोस नहीं करते, चढ़दी गला च रहिंदे ने। तो इसलिए असीं आए हां ते साडे पिछे भी सौवां दी गिणती दे विच सिंघ तैयार ने, मतलब अपना हर हफ्ते गिरफ्तारियां देने लई। ठीक है जी, बिल्कुल देख सकते हो हर हफ्ते कहिंदे गिरफ्तारी जिहड़ी हैगी आ देने वास्ते तैयार ने, और बिल्कुल गुरद्वारा रकाबगंज साहब के बाहर ही पुलिस की जिहड़ी हैगी आ तुसीं देख सकते हो बैरीकेशन भी हुण लगा दी गई हैगी आ, पुलिस बल इत्थे तैनात हैगा, और हफ्ते दे वांगू इस बार फिर गिरफ्तारी देने वास्ते तैयार ने, और पंज सिंघां दा जत्था लैके जसकरन सिंह कान सिंह वाला पहुंचे ने। और इस समय बैरीकेशन जो है गुरद्वारा रकाबगंज साहब के बाहर बैरीकेशन फिर तो एक बार बंद कर दी गई है। सारियां तस्वीर वीडियोज़ तुसीं देख रहे हो कि किस तरीके एक बस जिहड़ी इत्थे तैनात है, फीमेल जिहड़ा हैगा पुलिस वो भी मौजूद हैगी आ, और एक जिहड़ी बस हैगी आ जिस दे विच अरेस्ट किया जाना हैगा वो बस भी जिहड़ी इत्थे तैनात हैगी आ। योध्या जरनैलों किसानों दे हुण सरोपे देणगे, सरोपे दे के पंजा सिंघां नूं ये जरनैलों तोरिया जाऊगा। ये योधे आ वो जिहड़े डरदे नहीं गए, जिहड़े डरदे सी ना वो अंदरां च वड़ गए आ, जिहड़े डरदे सी अंदरां च वड़ गए आ। एक सरदार सिमरनजीत सिंह मान उन्हें चंडे आ, ये योधे अज गिरफ्तारी देणगे, ये गिरफ्तारी देणगे किसानी लई। ना वट दा रौला ना बन्ने दा रौला, रौला किहदा रौला किसानी दा। अज मैं भी चाहना अज किसान जय जवान ते जय किसान दा नारा लग्या, अज किसान नूं भी तुन्नता मोदी ने ते जवान नूं भी तुन्नता है। वह बार्डरां ते बेलोड़ी जंग ला के सानू मरवाया जा रहा है, इधर साडे किसानां नूं मरवाया जा रहा है। ये सारियां गल्लां इन्हां नूं सोचना चाहीदा। वह मैं जवानों तुहानूं भी कहना, मैं दिल्ली पुलिस नूं कहना तुसी एक जथा भेजो, मैं ITBF नूं भी कहना कि तुसी जथा भेजो, CRP भी भेजे जथा, फौज भी भेजे, दिल्ली गुरद्वारा प्रबंधक भी कमेटी भेजे, किसान जथेबंदियां, क्योंकि तुसी भी किसान दे पुत्तों, किसान दे पुत्तों, किसान दे पुत्त दा फर्ज आ कि ये थोनू जवान ते किसान नूं लड़ाउणा चाहुंदे आ, ये साडा सारिआं दा फर्ज आ। इस करके ये जंग जारी रहेगा, पीसफुली जिहड़ा जंग है जमहूरी ढंग दे नाल। हुण साडे योधे सब तो पहला साधु सिंह काले कानून रद्द करो। चलो जी, बिल्कुल देख सकते हो कि अरेस्ट जिहड़ी हुण दित्ती जा रही हैगी आ, तुसीं देख सकते हो कि बस जिहड़ी हैगी आ दिल्ली पुलिस दी आई हैगी आ, जिस दे विच पंज सिंह जिहड़ी हैगी अपनी गिरफ्तारी देण जा रहे ने, नारेबाजी की जा रही है। मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 काले कानून रद्द करो, काले कानून रद्द करो, खेती विरोधी काले कानून रद्द करो, खेती विरोधी काले कानून रद्द करो, गिरफ्तारी किए हुए किसानों नूं रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, गिरफ्तार किए हुए किसानों नूं रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, झूठे परचे जो किए हुए किसानों ते रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, खेतीबाड़ी दे तिन्ने काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, सरदार सिमरजीत सिंह मान जिंदाबाद, राज करेगा, राज करेगा, राज करेगा, झूल ते निशान रहे, राज करेगा मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। देख सकते हो पार्लियामेंट के सामने हुई, पार्लियामेंट के नेड़े ही जड़ी हैगी है, सामने है, तुसी तस्वीर देख सकते हो, सामने सामने ही पार्लीमेंट इतने मौजूद है, सामने ही पार्लीमेंट की दीवार जी है इतने तुहानू दिखाई देगी, और गुरद्वारा रकाबगंज साहब के बाहर तो है गिरफ्तारी की जा रही है। पार्लीमेंट है, भारतीय संसद है, उसके सामने ही जरा इतने गिरफ्तारी जी है की जा रही है, गिरफ्तारी अपनी दे रहे ने। रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द
साड़ी जिंदगी है। 85% कुर्बानियां करके असी सड़कां ते बैठे हैं। साढ़े बापू सड़कां ते है, साड़ियां मावां तियां सड़कां ते बैठे है। आ तुहानू आजादी का निग मिलिया, आ निग मिलिया मोदी सरकार। होश उच्चा, तिने काले कानून रद्द कर। सिख कौम जिहड़ी आजादी चाहुंदी आ, आजादी दे सानू आजादी चाहीदी आ। हर तक सानू धार्मिक राजनीतिक सानू जिहड़ी आजादी चाहीदी आ, आजादी दिओ, साडा हक है। बिल्कुल देख सकते इत्थे मौजूद है और पार्लीमेंट के नेड़े उत्थे गिरफ्तारी जिहड़ी हैगी है दित्ती जा रही है और तुहाडे सामने तस्वीरां असीं दिखा रहे हां जिहड़ी पुलिस इत्थे मौजूद है। संसार सिंह जी लगातार हर हफ्ते गिरफ्तारी दे रही है, की कहना चाहोगे? कोई फर्क नहीं पै रहा? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं ये कहना चाहना है कि जे ये फर्क नहीं पै रहा तो फर्क साढ़े को भी गिरफ्तारियां देने घट, फर्क सानू भी नहीं पैना। जिन्ना चिर ये सरकार सारे काले कानून वापस नहीं लेंदी और जेलों के बीच बंद जिहड़े सिंह ने उन्हां नूं रिहा नहीं करदी और झूठे परचे अगर ये रद्द नहीं करदी, उन्हां चिर सानू भी कोई फर्क नहीं पैंदा। असीं भी हर टाइम हर हफ्ते जे ये सरकार नूं जे सानू इन्हां ने इस तरह परेशान किया तो असीं ये जथा जिहड़ा पंज मैंबरी है, ये सरदार सिमरजीत सिंह मान ने ये पंज मैंबरी जथा किया तो असी हज़ारों के हिसाब नाल भी असी गिरफ्तारियां दे सकते हैं। तो ये साडे कोले भी कोई कमी नहीं है। सरकार ते असर जरूर पएगा, एक दिन जरूर पऊगा। ये सरकार ने जे इन्हां ते असर ना पैंदा हुंदा तो आ जिहड़ी इन्नी फौज इन्हां ने आपदी लाई हुई है ये फौज ना लाउंदे। ये इसे करके लाई हुई है कि इन्हां ते असर पैंदा है। क्यों एक कहिंदे है कि भी कोई बेशर्म आदमी हुंदा वो किते पेड़ के थले बैठा सी ते उन्हां नूं कहा भी ये तो पेड़ के थले, वो कहिंदा जी यार तां मतलब सामे ही बैठते हैं, इन्हां दे फर्क पिया वै, सारा कुछ पिया वै, पर ये बेशर्म होने के कारण हुण ये जिंदा सप्प दे मुँह च कोड़ किल्ली आई भी है, जे खांदा तां उहदा कोड़ चलदा, जे छड़दा तां उहदी आण जांदी है। ये अपनी आण वास्ते झूठी शान वास्ते ये मन्नण नूं तैयार नहीं है। तो असीं ये कहने हैं कि मोदी जी जिन्नी जल्दी हो सकता ये जिहड़े काले कानून है और जेलों के बच्चे जिहड़ी निर्दोष बच्चे फड़े गए ने उन्होंने जल्दी तो जल्दी रिहा करो और जिहड़े पहलां दे भी है जिदा हवारा जी ने होर भी ने जिन्हां दीआं जेलां पूरियां भी हो चुकियां ने और ये सरकार उन्होंने भी नहीं छड़दी। तो असी यह जिहड़ा मुद्दा हैगा ये सारा जिहड़े असी चाहते हैं कि हर जिन्हें भी है जेलों के जिन्हां नूं गिरफ्तार किया गया उन्हां दी रिहाई है जिहड़ी वो जल्दी तो जल्दी हो जाए तो इहदे विच तुहाडा भी फायदा है तो चंगा रहोगे। जल्दी कर लो नहीं तो साढ़े को जिहड़ा होर भी इदों भी जे तुसी नहीं मनोगे तो मनण नूं असी भी तैयार नहीं जदों तक साढ़े तुसी नौजवानों रिहा नहीं करोगे, झूठे परचे रद्द नहीं करोगे। तो इस तरह ही ये सिलसिला जिहड़ा लगातार चलता रहेगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।